हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 22 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013 के अनुसार रिश्वत के लिए कितने साल की सजा के प्रावधान है? तो इसमें आंसर आएगा अधिकतम 7 साल। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने के साथ साथ रिश्वत देने के आरोपियों को अधिकतम 7 साल की सजा के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को 19 जुलाई को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देना एक अपराध बना दिया गया है और इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें विपक्ष को कितने वोट मिले? तो इसमें आंसर आएगा 126 वोट। प्रस्ताव के पक्ष में कुल 126 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के विपक्ष में 325 वोट पड़े और यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित किस युद्धाभ्यास में भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है? तो इसमें आंसर आएगा पिच ब्लैक 2018 में, और इसमें IAF के दल में 145 एयर योद्धा होंगे, जिसमें गरुड़ कमांडो टीम, 4 सुखोई, 30 MKI लड़ाकू विमान, AC-130 और C-17 परिवहन विमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी विश्व कप 2018 की शुरुआत 21 जुलाई से किस देश में हो गई है? तो इसमें आंसर आएगा इंग्लैंड में। पिछले 8 वर्षों में यह पहली बार हो रहा है कि भारतीय टीम महिला विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही है। इस टीम में रानी और दीपिका के अलावा बाकी सभी खिलाड़ी पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेक न्यूज को लगाम देने के लिए किस राज्य की पुलिस ने 4 लाख साइबर सिपाही डिजिटल वॉलंटियर बनाने का फैसला किया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8th BRICS स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा ने किया, और उन्होंने कहा कि भारत 2025 तक TB को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है, उनका क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा वे है KM जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में 28वीं GST काउंसिल संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसमें आंसर आएगा पीयूष गोयल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने वाहन चोरी को रोकने के लिए कौन सी नई तकनीक की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा माइक्रोडॉट तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एथेना किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा सैटेलाइट से। अरबों लोग जो अभी ऑफलाइन है उन्हें कनेक्ट करने की अपनी योजना के तहत फेसबुक अपना खुद का इंटरनेट उपग्रह एथेना लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे 2019 की शुरुआत में ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में जाफना प्रांत चर्चा में है, यह निम्नलिखित देश में से किस में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा श्रीलंका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2018 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका के लिए देशव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, और इसका उद्घाटन समारोह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना में हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए ऑनलाइन आवर सेवा का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो इसमें आंसर आएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन सुविधा में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप आधार आपकी सेवा का लॉन्च किया है। इस ऐप और वेबसाइट के माध्यम से राज्य के 80,000 पेंशन भोगियों को अब ऑनलाइन पेंशन और भुगतान से संबंधित सभी जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अगस्त को निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथा बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा काठमांडू नेपाल में। और शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस सड़कों, वायु मार्गों और संचरण लाइनों सहित बीमस्टेक देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए होगा। इस समूह का गठन 1997 में हुआ था और इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश शामिल है और नेपाल बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव शुरू हुआ। इस हालिया अविश्वास प्रस्ताव से पहले संसदीय इतिहास में कितने अविश्वास प्रस्ताव शुरू हो चुके हैं? तो इसमें आंसर आएगा संसदीय इतिहास में यह 27वां अविश्वास प्रस्ताव है। पिछले 15 वर्षों में स्वीकार किए जाने वाला यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। आखिरी बार 2003 में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चलाया था। इस हालिया अविश्वास प्रस्ताव से पहले संसदीय इतिहास में 26 अविश्वास प्रस्ताव शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने युद्ध समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है? तो इसमें आंसर आएगा नोबेल शांति पुरस्कार कोलंबिया के नेता और राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सेंटोस को मिला है। राष्ट्रपति सेंटोस को कोलंबिया शांति समझौते के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था क्योंकि कोलंबिया में लगभग 52 साल के संघर्ष के बाद शांति समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विशेष समिति की सदस्यता के लिए 9 उम्मीदवारों में से किस अफगान महिला को नामांकित किया है? तो इसमें आंसर आएगा समीरा असगारी को। और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 24 वर्षीय समीरा असगारी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी ने स्वयं सहायता समूह संबंध में अपनी सेवा के लिए 2018 नाबार्ड पुरस्कार जीता है? तो इसमें आंसर आएगा रेपो माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। और तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूह के संबंध में अपनी सेवा के लिए 2018 का नाबार्ड पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 27 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे जिनके नाम निम्न में से कौन से है? तो इसमें आंसर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 27 जुलाई के बीच अफ्रीका महाद्वीप के यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। इस यात्रा की खास बात यह है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली रवांडा यात्रा होगी, लेकिन इससे भी खास यह होगा कि मोदी का रवांडा को 200 गाय तोहफे के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कौन सा नियम अविश्वास की गति के लिए प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो इसमें आंसर आएगा नियम 198। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, 2014 में यूनेस्को ने रानी की वाव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस है सूरत, साबरमती, पाटन और अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वार्ता भारत और निम्नलिखित समूह के बीच का जुड़ाव है। आपके ऑप्शन है ब्रिक्स, G7, G20 और आसियान। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।